कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक बहुत आम बीमारी है और इसके लिए मौसम कोई मायने नहीं रखता, ये किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन हर मौसम में होने का इसका मतलब यही है कि जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी बहुत लंबे टाइम से कब्जियत का शिकार हैं वो लोग इसको कैरी करते हैं। अदरवाइज जैसे अन्न बदलता है, सब्जियां बदलती हैं, फल बदलता है, मौसम बदलते हैं, उनके कारण से बहुत से लोगों का जो कोष्ठ क्रूर होता है वो अक्सर इस तरह की बीमारियों को दावत देता है, जिनमें एक अहम है कब्ज। कब्ज से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि रात को सोते वक्त हम तेज़ गर्म दूध थोड़ी चीनी ज़्यादा डालकर इस्तेमाल करें ताकि हमारे आंते मुलायम रहें और उसमें मल किसी तरह से ना रुक पाए और सुबह उसका आराम से निस्सरण हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम त्रिफला वटी यानी त्रिफला की टैबलेट्स या त्रिफला का चूर्ण भी हम यूज़ कर सकते हैं, रात को सोते समय अगर हम तेज़ गर्म दूध के साथ त्रिफला का सेवन करते हैं तो भी हमें कब्ज से मुक्ति मिल सकती है। अगर इसके बावजूद भी कोई ये कहता है कि मुझे आराम नहीं होता है तो वो अमलतास की चटनी ले सकता है या फिर सनाए की पत्तियाँ, थोड़ी सनाए की पत्तियाँ एक कप पानी में उबालें, उसको जब आधा कप रह जाए छान के उसको रात को सोते वक्त पी लें। इससे बहुत ज़्यादा क्रूर कोष्ठ यानी जिनको कब्जी किसी चीज़ से भी दूर नहीं होती है उनको आराम मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है।